नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चले रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने उपचुनाव के सवाल पर दिया जवाब, कहा मुझे खुद नहीं पता किस सीट से लड़ूंगा। उत्तराखंड कांग्रेस में मचा घमासान, हरीश धामी ने दिखाए बगावती तेवर, छोड़ सकते हैं पार्टी। चारधाम यात्रा पर महंगाई की मार, बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों ने बढ़ाई कारोबारियों की चिंता। कॉरेट पार्क के बिजरानी जोन के बफर एरिया में लगी आग, वन कर्मियों ने बमुश्किल पाया काबू। नैनीताल में आधा दर्जन हरे पेड़ों पर चलाई गई आरी, सभासद ने दी आंदोलन की चेतावनी। काशीपुर में दो झोपड़ियों में लगी भीषण आग, मवेशियों समेत लाखों का सामान जलकर हुआ राख। मसूरी में अनाधिकृत रूप से हो रहे निर्माण को लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा मंगलवार को कार्यवाही की गई। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा एसडीएम मसूरी नरेश दुर्गापाल के नेतृत्व में मसूरी मॉल रोड बीचवुड स्टेट के पास अनिल गोयल द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। उस मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात था। मसूरी एसडीएम नरेश दुर्गापाल ने बताया कि मॉल रोड में बिना प्राधिकरण की अनुमति के लोहे के गार्डरों के माध्यम से एक बड़ा निर्माण किया गया था, जिस पर कार्यवाही करते हुए ध्वस्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मसूरी में अवैध निर्माण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्रोसमेंट था, लोहे के गार्डरों पर खड़ा करके स्ट्रक्चर तैयार किया गया था, जो बहुत डेंजरस था। इसको एमडीडीए ने आज डिमोलिश करने का फिक्स किया हुआ था, तो मैं मौके पर हूँ इस वक्त। ये जो स्ट्रक्चर इस तरह से बना रहे हैं जो अवैध रूप से, क्योंकि मसूरी में निर्माण कार्य पर प्रतिबंध है कुछ सीमाओं तक, तो उसको अपने सामने डिमोलिश करा रहे हैं। और ऐसी जो अन्य अवैध गार्डर पर बने हुए हैं, इन सबके लिए भी शासन ने कहा है कि जो अवैध जितने हैं इनको एमडीडीए हटाएगा। तो जब जब एमडीडीए को ऐसी अवस्था हमारी प्रशासन की पुलिस की होगी, हम उपलब्ध करा देंगे। पहले भी संज्ञान में माननीय मंत्री जी ने जब यहाँ दौरा किया था, तो उस वक्त भी लोगों ने कंप्लेन किया था कि बना के माल रोड पर खड़ा कर रहे हैं, ऐसे स्ट्रक्चरों को एमडीडीए चिन्हित कर रहा है जो अवैध है, उनको हटाया जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बिजरानी पर्यटन जोन के बफर एरिया में आग लग गई। आग की सूचना से कॉर्बेट प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, दिन भर की कड़ी मशक्कत के बाद बामुश्किल आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बिजरानी पर्यटन जोन में कल दोपहर बफर जोन में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते जंगल में फैल गई। आग लगने की सूचना आसपास से गुजरने वाले जिप्सी चालकों ने कॉर्बेट प्रशासन को दी, जिसके बाद आनंद फानंद में कॉर्बेट प्रशासन की पूरी टीम ने मौके पर जाकर देर शाम तक आग पर काबू पाया। कल कॉर्बेट में बिजरानी जोन का जो बफर क्षेत्र है, वहाँ पर आग लगी थी। संभवतः कुछ लोग जो लकड़ी या चारा लेने के लिए जाते हैं बफर एरिया में, उनके द्वारा लगाई गई है। लगभग 1.5 हेक्टेयर में आग फैली थी, और उसके बाद स्टाफ ने उसको कंट्रोल कर लिया है। हमारा प्रयास है कि जितने भी कॉर्बेट के सेंसिटिव एरियाज हैं, उस पर लगातार निगरानी रखी जाए। मसूरी में खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने खाद्य पूर्ति अधिकारी विवेक साह के नेतृत्व में मंगलवार को शहर के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की और लोगों को प्रतिष्ठानों में घरेलू सिलेंडर प्रयोग न करने के निर्देश दिए। अधिकारियों का कहना है कि अभियान भविष्य में जारी रहेगा और प्रतिष्ठानों में घरेलू सिलेंडर प्रयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये बिल्कुल आपका कहना ठीक है कि खाद्य आपूर्ति निरीक्षक द्वारा जो है आज बाजार में चेकिंग की गई है डोमेस्टिक और कमर्शियल सिलेंडरों की। ये रूटीन एक चेकअप है जो लगभग हमेशा ही होता है, और मसूरी में लगभग सभी दुकानों पे लोग जो है कमर्शियल सिलेंडर ही इस्तेमाल करते हैं। फिर भी एक जागरूकता के तौर पे, एक अवेयरनेस के तौर पे हमारे खाद्य पूर्ति निरीक्षक विभाग द्वारा ये मुहिम चलाई गई है, जिसके लिए उनका भी धन्यवाद करते हैं कि जो लोग अनभिज्ञ हैं या जो छोटे दुकानदार जिन्हें नहीं पता, तो उनको भी जागरूकता आती है कि उन्हें दुकानों पर कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल करना। कहीं यदि देखिए अज्ञानतापूर्ण वर्ष या गलती से किसी आदमी को नहीं पता है, किसी दुकानदार को, तो उसके लिए हम एक अवेयरनेस ड्राइव भी चलाते रहते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि जो भी व्यावसायिक स्थल है वहाँ पर जो है कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। विभाग द्वारा भी उसके लिए समय समय पर ऐसी ड्राइव चलाई जाती है। और साथ साथ धन्यवाद करना चाहूँगा गैस एजेंसी वालों का भी, जो साथ साथ ही आए हैं और अच्छी छूट पर नए कनेक्शन भी हाथ के हाथ दे रहे हैं। यदि किसी के द्वारा कोई भूलवश छोटा सिलेंडर चलाया जा रहा है, तो उसको हाथ के हाथ नया कनेक्शन उस डिस्काउंट के साथ दिया जा रहा है। हमारा रूटीन अभियान है, इस प्रकार के भाई हम अभियान हम निरंतर चलाते रहते हैं। बीच बीच में जो एक डोमेस्टिक सिलेंडर का यूज़ के लिए हम कमर्शियल संस्थानों में ये होता है, तो अभी हम चलाते रहते हैं। पूर्व में चलाते हुए आए हैं, अभी भी हम लगातार कार्रवाई पर लगे हुए हैं। छोटे बड़े सही प्रतिष्ठान पर हम जाके देख रहे हैं, तो अभी वर्तमान में पाया गया कि सभी जगह जो है कमर्शियल सिलेंडर का यूज़ किया जा रहा है। छोटे जो हमारे रेडी वाले और जो ये मैगी चाउमिन मोमो का इस्तेमाल करते हैं, उनके पास छोटे जो कमर्शियल सिलेंडर 5 किलो के हैं, वो उसका इस्तेमाल करते पाया गया है। अभियान आगे भी चलता रहेगा, और ये एक तरीके से अभियान भी है, जागरूकता अभियान भी है, लोगों को जागरूक भी कराया जा रहा है।
देहरादून के भानेवाला के प्रभावित होने वाले व्यापारियों ने व्यापारी नेता राजन गोयल और पूर्व ग्राम प्रधान नरेंद्र नेगी के नेतृत्व में क्षेत्र के विधायक ब्रजभूषण गैरोला के साथ एनएचआई के अधिकारियों से मुलाकात की। ब्रजभूषण गैरोला ने अधिकारियों से कहा कि व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखकर ही सड़क का चौड़ीकरण किया जाए। एनएचआई के अधिकारी बोले, भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सड़क का निर्माण किया जाएगा। आपको बता दें कि भानेवाला फ्लाईओवर से लेकर ऋषिकेश तक 4 लेन सड़क निर्माण होगा। एनएचआई ने सड़क निर्माण के लिए 35 मीटर जमीन के अधिकरण कर लिए हैं और बहुत जल्द सड़क का निर्माण शुरू करने की बात अधिकारियों ने बताई है। मैंने आज एनएच के अधिकारियों के साथ उनको बुलाया था, मीटिंग की थी और हमने कहा कि भाई कम से कम व्यापारियों का नुकसान हो। ये बहुत पुराना बाजार है, आज़ादी से पहले का बाजार है, आसपास के गांव का केंद्र है। यहाँ पर पूरे दूरस्थ क्षेत्र के जितने भी गांव के लोग आते हैं, यहाँ पर उनका एक मार्केट है। तो हमने कहा है कि व्यापारियों के कम से कम इनका नुकसान हो, कोई विकल्प के तौर पर क्या कोई बाईपास हो सकता है, उसके लिए हमने कहा इस पर ज़रा दोबारा इस पर सर्वे करवाइए। और उनके साथ वार्ता हुई है, व्यापार मंडल के सभी हमारे यहाँ के प्रतिनिधि हमारे साथ थे, मीटिंग में थे और देखने क्या संभावनाएँ बन सकती हैं जिससे व्यापारियों को कम से कम नुकसान हो। उनका तो ये लगभग कहने लगभग 30 और 35 मीटर का तो उन्होंने मानक उनका अपना है, एनएच का मानक है और उसमें हम कितना से कम उनके लिए मदद कर सकते हैं उनका है। माननीय विधायक हमारे ब्रजभूषण गैरोला जी ने आज एनएचआई के अधिकारी को बुलाया था और जैसा कि संज्ञान में सभी के है कि भानेवाला बाजार और ये नेशनल हाईवे में दे दिया गया ये रोड ऋषिकेश देहरादून रोड को, तो इसमें भानेवाला बाजार और भानेवाला के बाजार के साथ लगते हुए घर और उससे आगे भी जो और दुकानें हैं, घर हैं, वो सब प्रभावित हो रहे हैं। तो उस चिंता को लेकर हम माननीय विधायक जी के पास आए थे, उन्होंने अपने नेशनल हाईवे के पदाधिकारी को बुलाया और उनसे जो है दूसरा विकल्प ढूंढने के लिए कहा गया है। ये व्यापारी क्या चाहते हैं वो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन जो चौड़ीकरण होना है, 4 लेन चौड़ीकरण होना है इसका, उसके हिसाब से जितना भी मिनिमम ROW हमें एक्वायर करना है वो हम लोग कर रहे हैं। विधायक जी कह रहे हैं कोई अगर विकल्प है तो कृपया उस पर विचार कीजिए, ऐसा कुछ संभावना है क्या? संभावना हमने सारी मतलब सारा ऑप्शन हमने देख लिए हैं, संभावना तो कोई नहीं बन रही, बट फिर से हम लोग विधायक साहब कह रहे हैं तो हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं, बट हमने सारी एक्सरसाइज की हुई है, टेक्निकल फाइनेंशियल सारा हमने देखा हुआ उसमें। तो कोई और काम शुरू होने की संभावना है? काम हम लोग तो अभी चाह रहे हैं कि अगर ये हम लोग एस्टिमेट भेज दें तो लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। सुल्तानपुर पट्टी में कोसी नदी में अवैध खनन की सूचना पर उधम सिंह नगर के ADM डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने पुलिस और राजस्व विभाग की टीम के साथ छापेमारी की, जहां राजस्व विभाग की टीम ने कोसी नदी में अवैध खनन कर रहे करीब 1 दर्जन वाहनों को पकड़ लिया। राजस्व विभाग की टीम की कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि सुल्तानपुर पट्टी की कोसी नदी में अवैध खनन का खेल किसी भी अधिकारी से छिपा नहीं है। जहां स्वीकृत खनन पट्टों की आड़ में कोसी नदी से लगातार अवैध खनन किया जा रहा है, वहीं लगातार मिल रही अवैध खनन की शिकायत पर उधम सिंह नगर के ADM डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने कोसी नदी के शीशम घाट पर पुलिस और राजस्व विभाग की टीम के साथ संयुक्त रूप से छापेमारी की। प्रशासन की छापेमारी की भनक लगते ही खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया और खनन माफिया वाहन को लेकर कोसी नदी से फरार हो गए। वहीं छापेमारी के दौरान पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने कोसी नदी में अवैध खनन कर रहे करीब 1 दर्जन वाहन को पकड़ लिया है। सूचना मिली थी कि आज यहाँ खनन हो रहा है और ये बात सही थी। जब हम लोग आए तो यहाँ पर काफ़ी मात्रा में ट्रैक्टर, डंपर, ट्रॉलियाँ ये सब थी यहाँ पे। कुछ को पकड़ने में हमारी टीम कामयाब रही है, कुछ भागने में सफल रहे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी यहाँ पकड़ा गया है और ये जहाँ पे खनन हुआ है इसका हम नपान भी करवा रहे हैं। जो भी इसमें कल्प्रिट्स हैं, जो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये पूरी टीम आज इसी काम के लिए आई हुई थी। देखिए, ये एक लुकाछिपी का खेल इनका रहता है हमेशा। हमारे भी कर्मचारी इसमें मुस्तैद रहते हैं, कभी जब वो 2-4 मिनट के लिए दाएं बाएं हुए तो ये अपना काम शुरू कर देते हैं। इसके लिए हम पूरा प्लान बना रहे हैं कैसे ऑल द टाइम इसमें CCTV कैमरा और इन सब की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं कि इसकी फुल टाइम मॉनिटरिंग हो सके और इसी में हमारी सफलता का परसेंट बढ़ेगा। हाँ, ये इंश्योर करना है हमें और इसीलिए जो हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसको भी यूज़ करेंगे, साथ में अभी जो पेट्रोलिंग वो भी बढ़ाई जाएगी और एक कंबाइंड टीम, इसके लिए ज्वाइंट टीम बनाई जा रही है। ज्वाइंट टीम इस पर लगातार छापेमारी करेगी और किसी को भी इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। इसका डिटेल तो SDM साहब बताएंगे क्योंकि उनके पास पूरा रिकॉर्ड है, लेकिन फिर भी मैं जो देख रहा हूँ यहाँ पर कुछ पट्टे स्वीकृत हैं, लेकिन कुछ जहाँ पे अगर आप देखेंगे आसपास वहाँ पे अवैध खनन हुआ है, वहाँ के पट्टे स्वीकृत नहीं है फिलहाल। रामनगर में पुलिस की हिरासत में लिए गए एक व्यक्ति की मौत हो गई है। आपको बता दें कि मालधन से सोमवार को एक राजू नामक व्यक्ति को 60 एक्साइज एक्ट में अरेस्ट कर रामनगर लाया गया था, जहां मंगलवार को उसकी हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे STH हल्द्वानी ले जाया गया। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब पुलिस के अधिकारी मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं।
राजू नाम के एक व्यक्ति को मालधन चौड़ चौकी में लेकर आया गया था। साठ एक्साइज अभियोग में उसको लेकर आया गया था और उसके बाद उसकी उपचार के लिए उसको हल्द्वानी लेके जाया गया। अभी ये सूचना प्राप्त हुई है कि उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हुई है, इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी जो तुरंत की सूचना है उसके अनुसार उपचार जो हल्द्वानी में चल रहा था सुशीला तिवारी में, वहाँ पर मृत्यु हुई है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि मृत्यु के क्या कारण है। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जांच के आदेश दिए गए हैं और जो जांच में जो चीज़ें सामने आएंगी उससे क्लियर हो जाएगा कि ये क्या मामला है। लक्सर पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। बीते कुछ दिन पहले लक्सर कोतवाली क्षेत्र में सुल्तानपुर के टांडा मैतौली से ट्रैक्टर ट्रॉली की लूट हुई थी। ट्रैक्टर स्वामी द्वारा लक्सर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें लक्सर पुलिस के द्वारा तुरंत कार्यवाही शुरू कर दी गई थी। वहीं एसपी देहात के द्वारा लक्सर कोतवाली में प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बीती 29 मार्च को सुल्तानपुर के टांडा मैतौली में अज्ञात लोगों द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली को लूटने और ड्राइवर का अपहरण कर उसे बंधक बनाने के संबंध में ट्रैक्टर स्वामी के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसके खुलासे के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में पुलिस क्षेत्र अधिकारी बीएस चौहान और कोतवाली यशपाल सिंह बिस्ट के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। उन्होंने बताया कि रुड़की मार्ग पर सोनाली नदी के पास चेकिंग के दौरान एक नीली कार की चेकिंग की गई तो उसमें से चार लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक मौके से फरार हो गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों ने ट्रैक्टर ट्रॉली की लूट को स्वीकार किया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इनके ऊपर हत्या लूट जैसे 10 से ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, जिनके खिलाफ गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि चारों आरोपी मुजफ्फरनगर जिले के रहने वाले हैं, जिन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। मार्च को हमारे टांडा महतोली जो लक्सर थाने का ही एक चौकी है, उसमें यह ज्ञात हुआ था कि एक इशरार पुत्र इकबाल जो मंगलौर क्षेत्र का रहने वाला था, इसका ट्रैक्टर लूट की घटना इसके में हुई थी। इंस्पेक्टर लक्सर ने इसको त्वरित संज्ञान में लेते हुए मूल धाराओं पर इस पर मुकदमा कायम किया था, पर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जो अन्य जो चीज़ें प्रकाश में आई थी इसको तुरंत जो है 364-394 में इसको तरमीम किया गया। सीओ लक्सर और इनके द्वारा तुरंत एक टीम की बनाते हुए इस पर जो भी इस तरीके की घटनाओं में लोग शामिल रहे हैं इस पर कार्रवाई की गई और पता रसी सुराग रसी के जरिए इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि दो हमारे जो चौकी इंचार्ज हैं इनके द्वारा एक बहुत ही बढ़िया काम किया गया और इनके द्वारा जो भी इस तरीके की घटनाएँ पूर्ण हुई हैं उनको प्रकाश में लाया गया। एक नीली सिविक कार जो प्रकाश में आई थी उसकी लगातार चेकिंग की जा रही थी और कल सोलानी पुल के पास में इस प्रकार की एक कार जब दिखाई दी तो उसके चेकिंग करी गई और उसमें चार लोग जिन्हें पकड़ा गया, एक मौके से फरार हो गया, उनके द्वारा एक घटना को करत करना बताया गया। इसमें जो चार लोग हैं इनका पूर्व आपराधिक इतिहास भी रहा है और चारों मुजफ्फरनगर से पूर्व करीब 10 से ऊपर अभियोगों में जेल जा चुके हैं और पूर्व में हत्या जैसे जघन्य अपराध इनके ऊपर दर्ज किए गए थे। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए इस पर इस मुकदमे के साथ साथ अन्य जो गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई इनके ऊपर की जाएगी। मुनिकीरेती क्षेत्र अंतर्गत रामझूला पार्किंग में टेम्पो चालकों ने पार्किंग शुल्क को लेकर हंगामा कर दिया है। आरोप है कि नया ठेका होने के बाद ठेकेदार दोगुना से अधिक पार्किंग शुल्क देने की मांग कर रहा है। पार्किंग शुल्क कम नहीं होने पर टेम्पो चालकों ने हड़ताल कर दी है। मौके पर धरना प्रदर्शन करने के साथ ही पार्किंग में खड़े वाहनों को भी बाहर निकालने से रोक दिया है। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस ने टेम्पो चालकों से ठेकेदार और नगर पालिका के साथ बैठकर वार्ता करने की सलाह दी। पुलिस की सलाह पर चर्चा की गई और टेम्पो चालकों के दो पक्षों में देखते ही देखते आपसी विवाद हो गया और लात घूंसे हुए हाथापाई होने लगी। किसी तरह पुलिस ने मामले को शांत कराया, लेकिन टेम्पो चालक अपनी मांग पर अड़े रहे। पुलिस ने टेम्पो चालकों की समस्या का समाधान करने के लिए नगरपालिका और ठेकेदार को टेबल पर बैठाकर मामले को सुलझाने की कोशिश भी की। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह कल धारचूला पहुंचे, जहां आर्मी के हेलीपैड में पुलिस के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान, कर्नल अजय पाल सिंह, पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। हेलीपैड से राज्यपाल का काफिला कुमाऊं स्काउट के गेस्ट हाउस में पहुंचा, जहां उनके द्वारा अधिकारियों से क्षेत्र की जानकारी ली गई, जिसके बाद राज्यपाल कुमाऊं स्काउट के हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां पर सेना के विभिन्न यूनिटों के जवानों से मुलाकात कर उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया और इस दौरान उन्होंने जवानों के बीच सेवा काल के दौरान सेना में किए गए कार्यों की भी जवानों को जानकारी दी। आप सबको मेरा जय हिंद। और धारचूला पे आके एक अलग सा आनंद आता है। मैं पहले भी पिथौरागढ़ में आया था और गुंजी और वो सब इलाके में गया था और एक इस इलाका से अलग प्यार है। यहाँ के जो लोग हैं, जो कल्चर है, जिस प्रकार का सोच विचार है, जो परिश्रम है, वो बहुत ही अलग तरीके का है। और मैंने डिटेल से यहाँ के जो DM साहब हैं, SP साहब हैं, उनसे बात की और उनके जो चैलेंजेस हैं और जो इनिशिएटिव हैं उनके बारे में भी डिटेल से किया।
देखिए मैं एक फौजी हूँ और सरहद पे जब फौजी को मिलने का एक अलग ही मज़ा आता है, ऐसा लगता है कि अपने परिवार में आ गए। आज मैं यहाँ पर दारचूला में जितने हमारे फौज के, जो हमारी ब्रिगेड के, हमारे जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी अहदेदार हैं, जितने जवान हैं, उनको मिलकर एक अलग नशा आता है कि किस मैं कहूँगा कि किस एक प्योरिटी से, किस मेहनत से, किस लगन से राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट के बलबूते के ऊपर में अपने देश की सेवा करते हैं। इन जवानों के ऊपर में नाज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ब्रिगेड में जो यूनिट्स हैं उनके एक्सपीरियंस सुनने में एक अलग एक बहुत गर्व फील होता है। आज मैं उन सब जवानों को मिला जिनके साथ में मैंने पहले कश्मीर के अंदर में ऑपरेशंस किए हैं, जिनके साथ में पहले जीवन में रहा हूँ, तो अपने परिवार वालों को मिलकर एक अलग मज़ा आता है। और मैंने देखा कि जिस श्रद्धा के साथ, जिस पैशन के साथ में और जिस डिटेल के साथ वो काम कर रहे हैं, पूरे राष्ट्र को, पूरे समाज को, हर एक भारतीय को इस पर नाज है। और हम हमेशा यही चाहेंगे कि हमारे जितने भी बॉर्डर एरिया हैं एकदम सुरक्षित रहे। और इसमें जिस प्रकार से जवान हमारे काम करते हैं, अहदेदार हमारे जो कमांडर्स हैं, वो एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और इस पर हम सबको खुशी है। मेरा तो सच में कहूँ तो दिल करता है कि बार बार मैं इस जगह में आऊँ, अपने जवानों को मिलूँ, अपने जो इस इलाके के हमारे साथी हैं, जो हमारे उत्तराखंडी हैं, उनको मिलूँ। और एक दिल में चाहत है कि जो भी जीवन में सीखा है यहाँ पर, उससे खुशहाली, समृद्धि और एक विकास आए। और सच में एक बात पक्की है कि आज मेरे को लगता है कि प्रभु के सौभाग्य से ये दिन मिला है कि मेरे पुराने साथी, जो जवान, जो ऑफिसर जिनके साथ में जीवन में काम मैंने किया है, जिनके साथ में चाइना बॉर्डर के ऊपर में, कश्मीर के अंदर में काउंटर टेररिज्म किया है, उनको मिलकर एक अलग ही एक नशा सा आता है, एक खुशी होती है और पता चलता है कि हम सब भारतीय एक हैं। भोजन में चटकारे भरा स्वाद बिना मसालों के नहीं आ सकता, और वो मसाले अगर सिलबट्टे पर पीसे हों तो फिर स्वादिष्ट भोजन तो बनेगा ही, साथ ही आपकी सेहत को भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि पौष्टिक तत्व भी आपके स्वाद के साथ आपके भोजन में आपको मिलेगा। पत्थरों को तराश कर अपने स्वाद और सेहत का ध्यान रखने वाले कारीगर आज आधुनिकता की चकाचौंध के सामने अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। सिलबट्टे पर पीसे मसाले आपकी सेहत के लिए भी लाभदायक है, क्योंकि पीसे मसाले आपको पौष्टिक तत्व दे सकते हैं, और मिक्सी से पीसे मसाले आपकी सेहत को धीरे धीरे जो नुकसान पहुंचाएंगे। वहीं अगर बात करें इन कारीगरों के दर्द की, तो इनके अनुसार पहले मांग अधिक थी, तो इनके हुनर के चलते इनका परिवार का गुजर बसर हो जाता था, लेकिन मांग कम होने के चलते अब ये कारीगर भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। सदियों से काशीपुर के चेती मेले में पत्थरों का बाजार लगता रहा है, लेकिन अब सिलबट्टों की बिक्री कम होने से मेले में पत्थरों के बाजार की रौनक भी कम हो गई है। दादा पर दादा खत्म हो गई जगह पे, हम बहुत पुराने हैं यहाँ पे भाई, यहाँ पर दादा पर दादा मर गए तो ये सिलबट्टे बेचते हैं। इस वक्त सिलबट्टे बिक्री है कम, और मिस्सी उसी चल गई है, इसलिए सिलबट्टे बिक्री कम हो गई है। रियाज पैसे लाते हैं साहब, अब यहाँ पर कहते हैं उठाओ वहाँ पल्ली तरफ ले जाओ, ये पत्थर है कहाँ से हम उठा के ले जाएंगे, पुरानी दुकान मिल जाना चाहिए। कैसे तराशते हैं, कितनी मेहनत है इसमें? ये साहब हम लोग मोल लाते हैं, ग्वालियर से है, राजस्थान से है, बस मोल लाते हैं, हम तोड़ते लाते हैं, यहाँ बेचते बना के ऐसे पीस आते हैं जैसे रखे। खास ये बात होती है साहब, ये सिलबट्टे में ये होती है, इसे इसका मसाला पीसा खाओगे तो इसे बीमारी जल्दी नहीं होती है। ये पेड़ जैसे बहुत से आदमी भला नहीं मोटे ज़्यादा हो गए, चक्की चलाए, चक्की चलाएँगे तो सही चलेगा हाथ पैर, इससे फ़ायदा जी होता है। फायदा इसमें चक्की का आटा पीसा हो खाओ नहीं, इसका बहुत फायदा है। तो होगा कम से कम 40-45 साल से ज़्यादा, हमारे बड़े बूढ़े जितने थे पहले आते थे, अब हम आने लगे, ये समझ लो जब से आ रहे हैं। हाँ ये बताइए, ये जो सिलबट्टी बिक्री पहले से बहुत कम हो गई है, अब इतनी बिक्री नहीं है, अब इतना आदमी खरीदता नहीं है, ज़्यादातर रेडीमेड चल लिया है, इसलिए पहले बहुत थी बिक्री, अब उतनी नहीं है। आज ये है कि मेला अगर सही चल गया तो लागत आगत सब निकल जाती, कुछ मिल भी जाता है, मेहनत जितनी करते हैं ये है। कहाँ से ये हम लाते हैं? राजस्थान से। ये बताइए कम क्या है कि हर चीज़ तो अब चल गई है, मशीनरी चल गई है, अब देखो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मशीन से ना होता हो काम, ऐसे इसका हिसाब है। लेकिन क्या कहते हैं,
नहीं वो बात तो है, वो सिलबट्टे की बात अलग है और मशीन की अलग है। हाँ, इसका स्वाद अलग है, उसका अलग है। तो सुअर दुनिया के डायबिटीज, दुनिया की बीमारी फैलती जा रही है, जरा जरा से बच्चे बीमार हो रहे हैं। और बेलन की रोटी बनाते थे, हाथ की चक्की चलाते थे या कूटते थे तो दुनिया की बीमारी खत्म होती थी उतनी। अच्छा, सिलबट्टे के मसालों का स्वाद मिक्सी का अलग है, अलग है। इसमें बढ़िया स्वाद आता है, हाथ पैर चलते रहते हैं और चटनी का स्वाद आता है। और ये चटनी जो झाग से निकलती है, इसमें बीमारी बनती है। ये जो मशीन से बिजली से बनती है, कितनी बुरी चटनी बनती है। हाथ की चटनी का स्वाद ही कुछ और है। कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत और डीआईजी डॉक्टर नीलेश आनंद भरने ने लगभग 25 करोड़ की लागत से पीएमजीएसवाई द्वारा निर्माणाधीन बेलबसानी पटवा डांगर मोटर मार्ग का स्थल निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई केएस बिस्ट ने आयुक्त रावत को बताया कि बेलबसानी पटवा डांगर मार्ग की कुल लंबाई 32 किलोमीटर है और इस मार्ग पर 5 बड़े पुलों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से 2 पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और 3 पुलों का निर्माण कार्य 30 जून तक पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कुल 32 किलोमीटर मोटर मार्ग से 10 किलोमीटर पर डामरीकरण हो चुका है, अब शेष 22 किलोमीटर के डामरीकरण का कार्य शीघ्र ही कर लिया जाएगा। आयुक्त ने कहा कि प्रशासन और पीएमजीएसवाई द्वारा प्रयास किया जाएगा कि बेल बसानी पटवा डांगर मोटर मार्ग का कार्य अक्टूबर 2022 तक पूर्ण कर लिया जाए। इस मोटर मार्ग के निर्मित होने पर जहां एक और नैनीताल को यातायात के दबाव से निजात मिलेगी, वहीं दूसरी और मोटर मार्ग से सटे गाँव भी कनेक्टिविटी से जुड़ जाएंगे। देखिए, बहुत पुरानी सैंक्शन रोड है और 2012 में सैंक्शन थी, अलग अलग स्टेज में सैंक्शन हुई है और पूर्व में कुछ फॉरेस्ट में अलाइनमेंट को लेकर इसमें देरी हुई थी, लेकिन उसके बाद काम इसमें शुरू हुआ है। तो करंट स्थिति इसकी ये है कि 4 ब्रिजेस ऐसे हैं जो अभी निर्माणाधीन हैं, कहीं प्रीबेटिंग का काम हो रहा है, एक जगह अबटमेंट का काम हुआ है, आगे इरेक्शन होना है। तो जितने भी ब्रिजेस हैं उन सबकी डेडलाइन तो जून एंड तक की डिसाइड की गई है। उसके बाद कुछ हिस्सों में आपके क्रॉस ड्रेनेज के वर्क्स बचे हुए हैं जिनकी डेडलाइन मई 15 की तय की गई है, और उसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें आपके जो G3 के काम है और उसके बाद डामरीकरण के वर्क्स हैं, इनको करना तय हुआ है और बाय दी एंड ऑफ अक्टूबर तो हम इसे कंप्लीट कर देंगे। लेकिन वैकल्पिक तौर पे जब हमारे ब्रिजेस बन जाएंगे June 30th के बाद, तो इसे हम विकल्प के रूप में एज ए इमरजेंसी रूट यूज़ कर सकते हैं। और जो आपने बताया इसकी फ़ायदा सबसे बड़े तो ये है कि एक तो ये गाँव कनेक्ट हो जाएंगे, दूसरा ये भी है कि नैनीताल में जो दबाव है लिमिटेड रूट्स का, उससे हमें निजात मिलेगी और बहुत खूबसूरत रूट है। आने वाले समय में मैं समझता हूँ यहाँ पे अच्छा डेवलपमेंट टूरिज्म को लेके, होम स्टेज को लेके या प्राइवेट रिसॉर्ट्स को लेके भी होने जा रहा है, क्योंकि ये एक रिच बेल्ट है, बर्डिंग के हिसाब से रिच बेल्ट है, वाइल्ड लाइफ के हिसाब से रिच बेल्ट है। तो कुल मिला के पोटेंशियल इसका बहुत अच्छा है। सर, मोबाइल कनेक्टिविटी भी नहीं है, टावर की मांग की ग्रामीणों ने। आपने सही कहा, अभी जिन रस्तों से हम गुजरे हैं, अभी बांडा में भी, नायसेला में भी ग्रामीणों ने कहा है कि कनेक्टिविटी नहीं, हमने खुद भी महसूस किया। तो इसमें जो भी हमारी कंपनीज यहाँ पे काम कर रही हैं उन सबकी हम मीटिंग बुला के और जल्दी उन्हें कहेंगे कि यहाँ पे टावर स्थापित। रानीखेत भाजपा विधायक प्रमोद नैनवाल ने उद्यान निदेशालय दौरा किया। नैनवाल ने कहा कि चौबटिया गार्डन से हमारा भावात्मक लगाव है। उत्तर प्रदेश के समय स्वर्गीय गोविंद बल्लभ पंत ने चौबटिया गार्डन की नींव रखी थी। उन्होंने सोचा कि पहाड़ के युवाओं को रोजगार मिलेगा और युवा अपने पैरों पर खड़े होंगे और पलायन पर रोक लगेगी। डॉक्टर नैनवाल ने कहा कि हमारा जो ये उद्यान विभाग है, ये विभाग पलायन रोकने और रोजगार देने के लिए मुख्य भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री से मिलकर अनुरोध किया था कि इसकी बेहतरी के लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कृषि मंत्री का व्यक्त किया। सरोवर नगरी नैनीताल के अरोमा होटल जाने वाले मार्ग पर लगभग आधा दर्जन से अधिक हरे पेड़ों पर देर रात आरी चला दी, जिसमें क्षेत्रवासियों में काफी रोष व्यक्त, जिसके चलते नगर पालिका सभासद मनोज जगाती ने शीघ्र पेड़ों पर 72 घंटे का समय वन विभाग के अधिकारियों के साथ प्रशासन को दिया है, वो आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जहां एक और शासन प्रशासन के साथ साथ कई सामाजिक संगठन समय समय पर पेड़ों को लगाने का काम करते रहे हैं, पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पेड़ों को नुकसान पहुंचाने की कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इससे पहले भी सरोवर नगरी नैनीताल के धामपुर बैंड के पास पेड़ों को काटने और सुखाने के लिए पेड़ों को छलनी किया गया था, अभी तक वन विभाग कुछ भी नहीं कर पाया है। दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि आरपटा का एक क्षेत्र पड़ता है पुरानी शराब भट्टी अरोमा होटल के पास, वहाँ पर कल रात भारी मात्रा में पेड़ काटे गए हैं और बड़े ही आपको बड़ी गंभीर उसके साथ मैं बता रहा हूँ कि संबंधित अधिकारी जो इस क्षेत्र के हैं वन अधिकारी, वो अभी 9 बजे पहुंचे हैं, जबकि हमारे द्वारा सूचना सुबह 6 बजे समस्त वन अधिकारियों को दे दी गई थी। और इस क्षेत्र के जो अधिकारी हैं वो बड़े मजे से 9 बजे आ रहे हैं और मैं 72 घंटे का टाइम दे रहा हूँ। अगर समस्त इन कर्मचारियों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती और ये जिसने ये पेड़ काटा है अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो मैं आंदोलन के लिए बाध्य हूँ, जिसकी पूरी जिम्मेदारी वन अधिकारी नगर पालिका, वन अधिकारी नैनीताल जिले के जो भी यहाँ के हैं DFO साहब, उनकी रहेगी।
शिल्पकार उत्थान समिति और परिवर्तन सेवा समिति द्वारा सात दिवसीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में मंगलवार को महिलाओं द्वारा रंगोली प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता की गई, जिसमें महिलाओं द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा बनाई गई। मेला संयोजक विजेंद्र कुमार ने बताया कि इस प्रकार की प्रतियोगिता से क्षेत्र के बच्चे और महिलाओं में हौसला अफजाई हो रहा है और बच्चे बहुत प्रसन्न है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।